फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे हम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अनोखा सवाल है जिसमें कई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। आइए हम मिलके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 एंड सी कॉमा डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी आर गिवन, हमें दिया है ए एंड बी आर, ए बी आर रूट्स ऑफ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये और एग्जाम्स में 11th में काफी स्कूल पूछा करते हैं इस सवाल को। देखिए, ए बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ए प्लस बी इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ दिस। लास्ट ईयर वाले कंसेप्ट से यहां पर आपके पास बी है माइनस 3 अपॉन में ए है 1। ये मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, जो आपको कंसेप्ट लास्ट ईयर का याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो यहां बी क्या है आप देख ले, बी इज माइनस 3, ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो इसका वैल्यू आ गया आपके पास 3, माइनस माइनस कैंसिल, ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए है, यहाँ सी का वैल्यू कौन है आप देख सकते हैं, सी का वैल्यू पी है, ए का वैल्यू 1 है। तो ए इंटू बी होगा पी अपॉन 1। इसी तरीके से वी आर गिवन सी एंड डी आर रूट्स ऑफ, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर सी प्लस डी होगा माइनस बी बाय ए, बी क्या है आप देख लीजिए माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन 1, माइनस माइनस कैंसिल, सी डी का वैल्यू होगा क्यू अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन 1, सी अपॉन ए होता है, दिस अपॉन दिस। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। अब हमारी दो कंडीशंस जो हमें दी थी, हमने उसके बेसिस पे जो हमको आ सकता था वो हमने लिखा। क्या लिखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी रोट दीज टू कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन राइट सी प्लस डी सी इन टू डी। नेक्स्ट कंडीशन, वी आर गिवन ए बी सी डी फॉर्म अ जी पी, ए बी सी डी आर इन जी पी, आर इन जी पी, देयरफॉर दिस इंप्लाइज ए रिमेन्स ए, बी इज ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। इसके बेसिस पे अब हमें क्या है, नाउ वी आर सपोज टू प्रूव क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू दिस मच। नाउ क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, तो अब आप पीछे जाएं, बैक में जाके देखें कि क्यू क्या है, तो क्यू इज व्हाट सी डी, पी इज व्हाट ए बी, तो क्यू की जगह क्या आएगा सी डी, पी की जगह क्या आएगा ए बी, सी डी माइनस ए बी। ये किससे लिखा हमने, तो सपोज इसे हम नाम दे देते हैं वन, यूजिंग वन, यूजिंग वन,
using 1. अब इस पूरी कंडीशन को, इसको यहां से लेके यहां तक, इसको 2 दे देते हैं नाम C. अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, CD plus AB, तो C का वैल्यू क्या है आपके पास? C का वैल्यू AR स्क्वायर, AR स्क्वायर. D का वैल्यू क्या है? AR क्यूब प्लस AB. A रिमेंस A, B इज AR अपॉन CD माइनस AB. इसमें भी वैल्यू इसी तरीके से रखिए, AR स्क्वायर AR क्यूब माइनस A इनटू AR. अब क्या कॉमन ले रहे हैं, वो कॉमन ले ले. ये हमने किससे लिखा है, लिख सकते हैं यहां पर यूजिंग 2, 2 का यूज करके लिखा है. इससे कॉमन क्या ले, ए स्क्वायर आर कॉमन ले ले. ए स्क्वायर आर कॉमन ब्रैकेट में आएगा, ए स्क्वायर कॉमन, ये आर स्क्वायर आर क्यूब इज आर टू द पावर 5, आर कॉमन लिया तो बचेगा आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पूरा कॉमन लिया 1, ए स्क्वायर आर कॉमन लिया आर टू द पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर कैंसिल, आर टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस 1. वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस मच, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी का वैल्यू फाइनली आ गया है हमारे पास क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 प्लस 1 आर अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस 1. अब हमें आर को एलिमिनेट करना है, तो आर को एलिमिनेट करना है. और आप देखें, हमने दो कंडीशन अभी जिनका यूज नहीं किया, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों का यूज नहीं किया. तो अब इनका यूज करके हम इन दोनों की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालते हैं. तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर आ जाए यूजिंग 1. अगर 1 का यूज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड c प्लस डी इज इक्वल टू 12. अब a और b की वैल्यूज अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, a b और c और d की, ये 2 से, तो देखिए क्या होगा. तो a रिमेंस a, b बिकम्स ar, c इज ar स्क्वायर एंड d इज ar क्यूब इज इक्वल टू 12. ये किसका यूज किया हमने, ये हमने यूज किया है 2 का, यूजिंग 2. 2 का यूज करके हम ये कुछ लिख पाए, a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3. तो a प्लस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, ए आर, सी इज ए आर स्क्वायर एंड डी इज, यू कैन सी हियर, ए आर क्यूब. अब उसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आप देखिए क्या लिख पाएंगे हम उसको. तो मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं. इस पोर्शन को रब कर दिया, a प्लस ए आर, ए कॉमन, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, इससे कॉमन आएगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12. अब इसको इससे डिवाइड कर दे, विच इंप्लाइज ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3. 1 प्लस आर, 1 प्लस आर कैंसिल, ए ए कैंसिल, 3 4 जा 12. तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई. आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आप यू कैन सी हियर, आर स्क्वायर इज व्हाट, आर स्क्वायर इज 4. R square is 4, which implies R is equal to plus minus 2.
अब इस जो r की वैल्यू है प्लस माइनस 2, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। मान लीजिए कि ये इक्वेशन 3 है, तो पुटिंग r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन 3, तो क्या होगा आपके पास, तो होगा q प्लस p अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 1। अब प्लस माइनस पावर इवन है तो इट बिकम्स प्लस, एंड 2 टू द पावर 4, यू नो 2 टू द पावर 4 इज 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, 16 प्लस 1 इज 17, 16 माइनस 1 इज 15। हेंस इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव करना था, q प्लस p इज टू q माइनस p इज इक्वल टू 17 इज टू 15, विच इज प्रूव्ड नाउ। तो दोस्तों ये इसका सोल्यूशन था, बड़े आसान तरीके से हमने किया। आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट।